चलो, सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आंसर्स और एनी सॉर्ट ऑफ टाइपिंग फॉर CB1. भले आंसर नहीं हो, मे बी यू आर जस्ट टाइपिंग नोट्स और एनीथिंग, कुछ भी फॉर CB1. I'm typing some notes and एनी few ऑफ यू? answers, not accounting part. आपका आवाज कट रहा है. अच्छा, तो यू हैव ट्राइड सारा थियोरेटिकल पोर्शंस. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? सेम. ओके, सो नाउ इफ यू हैव ट्राइड आउट दी अकाउंटिंग पोर्शंस ऑन एमएस वर्ड, खाली आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस करो. ठीक है, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ टाइपिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अदर पेपर्स में आई रियलाइज कि कोई भी अभी तक टाइपिंग पे फोकस करना स्टार्ट नहीं किया. एंड स्पेशली फॉर पेपर्स, मतलब हर पेपर के लिए टाइपिंग हैज अ डिफरेंट व्यू कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे CMS में दे हैव टू नो द नोटेशंस एंड इंक्रीज स्पीड. आप लोग के लिए फॉर CB1 CB2 इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग का स्पीड सुपर हो एंड एक्यूरेसी हो. और वो पेपर्स में अगर इंग्लिश वर्ड्स ख्याल हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन CB1 CB2 में इम्पोर्टेंट कि आप वर्ड्स करेक्टली भी टाइप करो एंड ग्रामेटिकल एरर्स कम करो, लाइक मिसिंग वर्ड्स और एनीथिंग, बिकॉज उससे आंसर में इफेक्ट पड़ जाता है बहुत बार. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टाइपिंग नोट्स. एंड इनफैक्ट टाइपिंग नोट्स इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस इवन फॉर द CB2 स्टूडेंट्स. आई सजेस्टेड कि आप लोग जब नोट्स टाइप कर रहे हो तो आप इन भी अपना खुद का आंसर्स भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यू आर टाइपिंग इट इन योर ओन वर्ड्स. सो एग्जाम में कुछ भी आएगा, सो यू विल नॉट हैव टू सिट एंड रिफ्रेस इट. उस टाइम यू कैन जस्ट टेक इट, डोंट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम योर अदर डॉक्यूमेंट, सी इट एंड टाइप इट, बिकॉज कॉपी पेस्ट करना भी ट्राई करो. कॉपी पेस्ट आई थिंक व्हाट आई वांट टू डू विथ यू ऑल डे इज एक बार वैसे ओवरव्यू की थ्योरिकल आंसर्स कैसे लिखना है, एंड देन हम लोग एक अकाउंटिंग का 20 मार्क्स का सम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो आई हैव माय ओन September 2020 पेपर CB1 का. वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज पहले आप लोग सबको फाइल्स अनजिप करना आते हैं अपने डिवाइस पे. एक बार हम लोग वो भी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब फाइल आएगा अगर बाई चांस वो जिप फाइल के फॉर्म में आए देन यू शुड नो हाउ टू ओपन इट. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक दिस लिंक, आई एम गिविंग इट इन द चैट बॉक्स. ये लिंक पे जाके September 2020 का CB1 पेपर हम लोग डाउनलोड करेंगे. सिंपली बाय क्लिकिंग CB1 वी कैन डाउनलोड इट. आफ्टर दैट अगर किसी का भी मैक OS है तो ऑटोमेटिकली अनजिप हो जाएगा, उन लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है. जस्ट बाय क्लिकिंग इट विल ऑटोमेटिकली गेट अनजिप. फॉर दोज ऑफ यू हु आर विंडोज यूजर्स और नॉन मैक यूजर्स, उनके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा. मोस्टली मोस्ट ऑफ यू के डिवाइसेस में देयर विल बी विनरार ओनली. कैसे यूज करना है? राइट क्लिक करने से ऑन द जिप फाइल यू विल गेट द ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टू INF वाला. हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे एंड सेम जगह पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा विथ टू फाइल्स इनसाइड, एक एग्जाम पेपर एक एग्जामिनर्स रिपोर्ट. इन केस ऑफ द क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि सिर्फ सिंगल फाइल ही हो, बिकॉज CB1 में एक ही क्वेश्चन पेपर आता है. तो हम लोग एग्जाम पेपर खोलते हैं. एग्जाम के टाइम पे अगर आप लोग को इफ मे बी यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग योर क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड और यू डोंट वॉन्ट टू गेट इट प्रिंटेड, देन आपको सेम डिवाइस पे रख के काम करना आएगा. तो उसके लिए ट्रिक इज कि हाउ डू यू कीप बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन योर स्क्रीन. विंडोज की
एंड लेफ्ट आरो दबाओगे तो हाफ स्क्रीन, लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ स्क्रीन, एक जो भी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाले टैब पे आई डिड, सो क्वेश्चन पेपर वाला टैब हाफ स्क्रीन ले लिया. एंड देन फॉर द सेकेंड आर्म ऑफ द स्क्रीन द राइट हैंड साइड आई कैन चूज, सो लेट्स से आई चूज माय वर्ड फाइल, तो वर्ड फाइल खुल गया. तो ऐसे हाफ एंड हाफ में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया. यू डू नॉट हैव टू सिट एंड रिसाइज इट. विंडोज एंड लेफ्ट एंड राइट कीज, फॉर लेफ्ट साइड लेफ्ट की, राइट साइड राइट की. ठीक है, यहाँ तक सब करो, सब डाउनलोड करो CB1 का और सेप्टेम्बर 2020 पेपर, फिर हम लोग देखेंगे. डन, ठीक है, बाकी लोग का भी हो जाए. Ma'am, my laptop is not working, so I'm attending on phone. ठीक है, no problem. But आपको आता है ना ये चीज करना जो भी अभी किया? Yes, ma'am, yes. ठीक है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं. तो एज यू ऑल नो CB1 के पेपर में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर ऑलवेज MCQs, राइट? 20 मार्क्स ऑफ MCQ होते हैं. तो MCQ आपको सेपरेट पेजेस पे करने का जरूरत नहीं है. इट डज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप 10 MCQs के लिए 10 पेजेस यूज करो. सेम फर्स्ट पेज पे आप लोग 1 to 10 नंबर करके सिंपली कर सकते हो MCQs को. ठीक है, यू जस्ट टाइप 1 डॉट, फिर ऑटोमेटिकली एंटर दबाते दबाते आप लोग देखोगे आफ्टर 2-3 आंसर्स ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया MCQs. MCQs में यू डू नॉट हैव टू गिव एनी रीजनिंग. आप लोग देख सकते हो कि खाली ऑप्शन का लेटर लिखा हुआ है. यू डू नॉट इवन हैव टू राइट कि ऑप्शन में क्या है. तो जैसे 1 का P था, तो आई डिड नॉट राइट दिस पोर्शन ऑन माई आंसर स्क्रिप्ट. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. खाली आप लेटर लिख दो, मोर देन इनफ है. डोंट वेस्ट टाइम ऑन ऑल दिस. ओके, ये होने के बाद में 11th आंसर से एक्चुअल टाइपिंग वाला आंसर स्टार्ट होते हैं. तो यूजुअली CB1 में हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड 5 मार्क्स ओनली, एक्सेप्ट द लास्ट फ्यू. खाली जो लास्ट फ्यू होते हैं दे आर लॉन्गर. तो अगर आप लोग का आया सम, तो इट्स हायर चांसेस कि वो 20 मार्क्स का लास्ट की तरफ में इधर ऑफ द टू क्वेश्चन आएगा. 3 क्वेश्चन होते हैं ना 20 मार्क्स का, नहीं 2 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स का. 2 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, उसमें से एक में ही यूजुअली दे गिव द अकाउंटिंग सम. उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन होते हैं दे यू आर नो कि मोर ऑफ डिस्कसिंग या कमेंटिंग, तो उस टाइप का होता है. तो ये सब आंसर्स में इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, नेचुरली 5 मार्क्स का आंसर्स विल बी वेरी लो, हाफ पेज के करीब मिनिमम लग जाते हैं. तो राइट पेज यूजुअली आई वुड से. तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर अराउंड हाफ टू 1 पेज होगी. तो वो क्या करते हैं, बहुत बार आपको लग सकता है स्पेशली CB1 में जो पेपर का नेचर है, जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार स्ट्रगल कि उसमें लिखना क्या है एग्जैक्टली. दे के नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट्स टू राइट. तो हम लोग क्या करें, ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल एंड सेग्रीगेट देम इनटू मेजर पॉइंट्स. जब भी आप मेजर पॉइंट्स में करोगे तो उनको सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर ऑल थियोरेटिकल आंसर्स कि आप स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखो, डोंट मेक इट एक लॉन्ग पैराग्राफ. क्योंकि एक लॉन्ग पैराग्राफ होने से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एग्जामिनर आपका पॉइंट्स स्किप कर दे. ठीक है, तो इसीलिए जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 2-3 सेंटेंसेस का मैक्स एक एक पैराग्राफ है. एक पॉइंट उठाओ एंड उसको एक्सप्लेन करो इन 1 पैराग्राफ. नेक्स्ट पॉइंट में जाते आप नेक्स्ट
पैराग्राफ में चले जाओ. अनदर थिंग इज बुलेट पॉइंट्स. तो जितना आंसर और ज्यादा क्लियर लगेगा, मतलब एग्जामिनर विल नो कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट्स टू इंक्लूड. एंड हर बुलेट पॉइंट के लिए ट्राई टू गिव अ सब हेडिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाईलाइटिंग कीवर्ड्स, क्योंकि आप इतना कुछ जब लिख रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कीवर्ड्स अच्छे से दिखा रहे हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे मार्क्स आर फॉर दोस कीवर्ड्स. आप कितना ही एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन अगर कीवर्ड्स नहीं होगा आपके आंसर में, देन इट विल फॉल शॉर्ट. तो हाउ डू यू हाईलाइट? हाईलाइटिंग के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बोल्ड करो, बिकॉज अंडरलाइन छुप जाते हैं प्रूफिंग के कारण बहुत बार, एंड इटैलिक्स इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है. बोल्ड करने से इट्स वेरी विजिबल. एंड डू नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ कलर ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट. खाली ब्लैक कलर यूज करना अलाउड है. सो डोंट चेंज द फॉन्ट कलर और डोंट यूज दिस हाईलाइटिंग फीचर. ये सब मत करना, खाली बोल्ड कर देना. बोल्ड के साथ इटैलिक्स करने हैं इफ यू ऑल वॉन्ट, तो आप वो भी कर सकते हो. शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक्स. अब एक चीज, ऑब्वियसली आप टाइप करते टाइम यू विल नॉट सिट एंड यू विल मेक सो मेनी थिंग्स बोल्ड एक एक करके. तो क्या करना है, पूरा आंसर लिख लो अपना. वंस यू हैव टाइप्ड योर एंटायर आंसर, एक आंसर पकड़ो, उसमें जो भी आपका कीवर्ड है आपको पता है. तो यहाँ पे सपोज ये वाला है, ये लाइन था, इसको मेरे को हाईलाइट करना था. तो आई सिलेक्ट दिस, उसके बाद आई डोंट मेक इट बोल्ड राइट नाउ. आई प्रेस कंट्रोल एंड देन आई सिलेक्ट द नेक्स्ट पोर्शन जो मेरे को हाईलाइट करना है. ठीक है, ये हुआ. फिर ये भी बोल्ड करना था, ये बोल्ड करना था. पूरा टाइम थ्रू आउट दिस प्रोसेस प्रेस कंट्रोल, एंड अब कंट्रोल प्रेस करके रखोगे इसीलिए ये साथ में सिलेक्ट हो रहा है सारा. ठीक है, एंड दूसरा पोर्शन अनसिलेक्ट नहीं हो रहा है. तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे. लेट्स से बोल्ड तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेट्स से मेरे को इसको इटैलिक्स भी करना है. आफ्टर आई एम डन सिलेक्टिंग ऑल द पोर्शंस इन दैट आंसर, देन आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल बी और कंट्रोल आई. अभी जैसे आई एम प्रेसिंग कंट्रोल आई, तो देखो ये सारा चीज एक साथ इटैलिक्स हो गया. सो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू ऑल शुड ऑल्सो यूज वेल प्रैक्टिसिंग योर आंसर्स एंड ऑब्वियसली एग्जाम में. तो इससे टाइम सेव होते हैं, प्लस आप जब ये कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हो ना, आप इन अ क्विक वे यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग योर आंसर. आप गो थ्रू करो अपने आंसर से वन मोर टाइम, तो उससे आपको पता है कि इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन एनी पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट नहीं लिखा है, तो वो आप उसी टाइम ठीक कर सकते हो. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर थ्योरी पेपर्स. बुलेट पॉइंट्स इंसर्ट करने के लिए बाय चांस अगर नहीं आते किसी को, तो होम वाले रिबन में यू हैव ये वाला, यहाँ पे है फॉन्ट वाले के पास में जो सेक्शन है उसमें बुलेट्स का है. आई वुड सजेस्ट ईदर यूज राउंड बुलेट्स, प्लेन सॉलिड वाले राउंड बुलेट्स, या फिर इवन द एरो बुलेट इज अ वेरी इजी बुलेट टू यूज. वाई? बिकॉज उसमें आपको जाके बुलेट नहीं इंसर्ट करना होगा. पर आई विल शो यू ऑल, यहाँ पे आई विल इंसर्ट अ न्यू पेज. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने जनरल टाइपिंग वाले क्लास में भी बोला था कि कभी भी आप नेक्स्ट आंसर में मूव ऑन कर रहे हो, एंड थ्योरी पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप एंड तक सोचते रहते हो कि हम लोग ये आंसर में ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. तो हमेशा व्हेन यू आर मूविंग टू योर नेक्स्ट आंसर, मेक श्योर आप इंसर्ट ब्लैंक पेज करो एंड नॉट एंटर प्रेस करके. ठीक है, एंटर प्रेस करके मत करना, इंसर्ट ब्लैंक पेज करना, ताकि आप कोई भी आंसर में कभी भी कुछ ऐड करो, कोई पोर्शन, तो फिर वो आपका पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़े नहीं. ऑल राइट, तो लेट्स से मेरे को बुलेट इंसर्ट करना है. तो बुलेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? जो ग्रेटर देन साइन है, क्रोकोडाइल साइन ग्रेटर देन वाला, उसको आप अगर टाइप करोगे एंड स्पेस प्रेस करोगे, तो इट विल टर्न इंटू द एरो बुलेट. सो देन यू डू नॉट हैव टू अगेन एंड अगेन गो फॉर इंसर्टिंग अ बुलेट. यू कैन डायरेक्टली प्रेस अ क्रॉपर ग्रेटर देन साइन एंड आपका बुलेट पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, इसीलिए आई फाइंड इट कन्वीनियंट टू यूज एरो पॉइंट्स नाउ. अर्लियर मेरे को ये सब इतना पता नहीं था, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट फ्यू ऑनलाइन एग्जाम्स, बट विथ प्रैक्टिस दीज आर द ट्रिक्स दैट आई हैव लर्न. ठीक है, तो ये एक हुआ. तो वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग, पैराग्राफिंग
एंड बुलेट्स, ये थ्री थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंसर्टिंग न्यू पेज वाला मेथड, ये फोर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एनी पेपर। उसके अलावा नंबरिंग पे प्लीज ध्यान रखना, अगर जो पार्ट क्वेश्चंस है वो एबीसी के फॉर्म में तो एबीसी ही यूज करना, अगर रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में है तो रोमन न्यूमरल्स ही यूज करना, डोंट मेस अप द नंबरिंग, अननेसेसरीली प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड रेफरेंसिंग, अगर आप ये जो पेपर है सितंबर 2020 का है, उस टाइम रेफरेंसिंग का इतना मतलब दे हैडंट गॉट द रेफरेंसिंग रूल्स दैट टाइम, इसके बाद वाले टर्म से रेफरेंसिंग का इतना मेजर स्टार्ट हुआ था, तो आप क्या करोगे? अगर आपका जो नोट्स है, आई वुड सजेस्ट जब आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाते टाइम ही चैप्टर नंबर तो लिखा हुआ ही रहता है किस चैप्टर का नोट्स है, उसके साथ में जस्ट पोर्शन बाय पोर्शन राइट द पेज नंबर, नॉट फॉर एवरी पैराग्राफ यू हैव टू राइट कि ये कौन से पेज का रिफ्रेजिंग है या पैराफ्रेजिंग है, यू कैन राइट एन अप्रोक्स की अगर कोई भी एक सेक्शन है, लेट्स से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ इन योर नोट्स, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर टू पेजेस के ओवर कवर हुए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब आप हेडिंग दोगे इन योर नोट्स उसके पास में जस्ट राइट कि चैप्टर नंबर दिस, या चैप्टर नंबर ऊपर भी लिखे एंड पेज नंबर 10 to 12, 10 to 12 खाली पेज नंबर लिख दो, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं चाहिए फॉर रेफरेंसिंग, एंड आप एनी वे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रहे हो, यू आर पैराफ्रेजिंग इट एंड राइटिंग, तो इट दे कैन नॉट कॉल इट प्लेजरिज्म एट ऑल, बट क्योंकि रेफरेंस भी देना इंपॉर्टेंट है दैट यू आर रेफरिंग टू दोस पोर्शंस, इसीलिए नोट्स में आप लिखो, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली मटीरियल से आंसर्स देखते हो या डायरेक्टली मटीरियल को रेफर करते हो, इन दैट केस मटीरियल से जब आप देखोगे आंसर उसी टाइम यू राइट द पेज नंबर, एंड ऑब्वियसली रेफरेंसिंग के ऊपर बहुत एक इलैबोरेट क्लास होगा या हो गया है आई डोंट नो, अगर नहीं हुआ है तो चिंता मत करो, देयर विल बी अ वेरी इलैबोरेट क्लास ऑन रेफरेंसिंग, या प्रवीण सर दोनों में से एक जन आप लोग को समझाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है रेफरेंसिंग, तो वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन CB1 CB2 स्पेशली, बिकॉज इतना सारा थ्योरी आंसर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ मूविंग ऑन टू द अकाउंट्स पोर्शन, उसके पहले मेरे को बताओ कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करते हो वाइल टाइपिंग आंसर्स, या कुछ भी क्वेश्चन है विच यू वॉन्ट मी टू एड्रेस राइट नाउ। मैम मैम एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पास्ट ईयर से सेम होते हैं, तो उससे हम अगर सेम टू सेम लिखे तो उनकी भी रेफरेंस कर सकते हैं कि पास्ट हाँ कर ईयर सकते पेपर हैं, इसको। पास्ट ईयर पेपर से अगर ले रहे हो तो उससे भी रेफरेंस दे सकते हैं, ये भी आपको रेफरेंसिंग क्लास में सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप आंसर्स अगर पास्ट पेपर से ले रहे हो तो वो भी आप रेफरेंस में दे सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली व्हेन यू कवर अ चैप्टर देन यू सॉल्व उसका क्वेश्चन, एंड अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिलते हैं तो उसको आप ऐड करते हो अपने नोट्स में, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स कि सब कुछ आप साथ में करो, तो अगर आप ले रहे हो अगेन फ्रॉम एनी पास्ट पेपर का अगर रेफरेंस ले रहे हो एग्जामिनर रिपोर्ट का, तो वो वाले पोर्शन में बस ईयर लिख दो, डायरेक्ट लिख दो कि इस ईयर का क्वेश्चन से आप क्वेश्चन उठाए हो, तो फिर आप जब आंसर में अगर उसको वापस से लोगे भी तो आपको पता है कि आपको रेफरेंसिंग में किस का पेपर देना है, इससे एक और चीज क्या इजी हो जाता है कि अगर आपके नोट्स में ये चीज किया हुआ रहेगा ना, और अगर एग्जाम पेपर में आया तो आपको पता नहीं होगा बैठ के कि कौन से पेपर में, बहुत बार होता है कि पता ही क्वेश्चन सॉल्व किया है लेकिन कौन से पेपर में था ये क्वेश्चन ये याद नहीं है, तो इसलिए जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और बोलो ओके मैम, और कोई क्वेश्चन किसी को, ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द अकाउंटिंग पोर्शन, अकाउंटिंग पोर्शन में आप लोग का यूजुअली अगर 20 मार्क्स के लिए आएगा, सो CB1 में लोग ज्यादा घुमाते नहीं है अकाउंटिंग वाले, उसको यू हैव टू मेक द सेम प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी का एंड बैलेंस शीट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, सो ये थ्री थिंग्स ही बनाने के लिए बोलते हैं,
एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे डिस्कस इम्प्लीकेशन या कुछ भी कमेंटिंग, दे विल नॉट गिव यू अ डायरेक्ट, मतलब बस बना दो एंड छोड़ दो, दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर सम कमेंट्स ऑन इट. ठीक है, तो कैसे बनाना है हम लोग यही वाला क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे, आप लोग खुद देखोगे तो आप लोग रियलाइज करोगे कि ये थोड़ा सा मेसी लग रही है वाला चीज, बिकॉज एज आई सेड कि दिस इज फ्रॉम अ टाइम व्हेन इवन जस्ट अ सेकंड. अच्छा, तान्या यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया, कैन वी राइट आंसर फ्रॉम मैथ और विल इट बी प्लेजरिज्म. आप मैथ से ले सकते हो, आपको रेफरेंसिंग देना होगा प्रॉपर, एंड आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप मैथ से ले भी रहे हो तो प्लीज चेंज द वर्ड्स अ लिटिल, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि उससे भले ही आपको प्लेजरिज्म का मिलता है लेकिन एग्जामिनर को लगता है कि आप कोई एफर्ट ही नहीं किया आंसर करने में. तो इवन इफ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम द मैट, पैराफ्रेज इट अ लिटिल, खाली एक्टिव को पैसिव कर दिया, थोड़ा वर्ड्स यहाँ वहाँ कर दिया, पॉइंट्स को मिक्सअप कर दिया, इतना करके इट्स इनफ. ठीक है ताना, ठीक है. तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया है मैंने, इवन टुडे इवन आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सो आई विल टेल यू ऑल कि आप लोगों को अब कैसे बनाना चाहिए. ठीक है, तो आप लोगों को पता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में बहुत सारा वर्किंग नोट्स होते हैं, एंड दोज वर्किंग नोट्स दे हैव टू बी लिंक्ड टू योर एक्चुअल थिंग ऑल्सो. तो यहाँ पे मैंने सुपरस्क्रिप्ट करके नोट नंबर लिखा है, आप लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हो. एंड अब क्योंकि एक्सेल से कॉपी पेस्ट करना अलाउड है प्रोवाइडेड यू गिव रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, तो इट्स बेटर कि आप लोग एक्सेल पे करो. लेकिन आईएआई वालों के लिए एक्सेल आप लोग को एक्सेस नहीं मिलता CB1 में आई थिंक, अगर मिलता है तो फिर वेल एंड गुड, परफेक्ट है, आप लोग ये कर सकते हो. नहीं तो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप इंसर्ट में जाके टेबल में जाओ एंड यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लो. दी ओनली डिफरेंस विल बी कि आप लोग फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन टैबुलर फॉर्म में बनाना, टैबुलर फॉर्म में बनाना. आई डोंट नो व्हाई आई वुड डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इसमें आई एम श्योर अलाइनमेंट करने में भी बहुत टाइम जाता है. आई जस्ट ओपन एक्सेल वंस. तो एक्सेल में आप लोग ये जो डॉस को पीएलसी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब आप लोग वर्ड में नॉर्मली टाइप कर लेना. खाली जो एक्चुअल वर्किंग वाला स्टेटमेंट है दैट यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम एक्सेल. उसमें क्या होगा, रेवेन्यू लिया, एक कॉलम छोड़ना है तो छोड़ लो, बट इट्स नॉट नेसेसरी. इससे बेटर है कि आप कॉलम ए को थोड़ा ड्रैग करके बड़ा ही बना लो. ओके, कॉलम एक को थोड़ा बड़ा बना लो एंड देन यू टाइप द नंबर्स जो भी है. और ये जो ऊपर में $1,000 है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सम्स, क्योंकि आपको अगर आप एकदम डायरेक्ट यूनिट्स में नहीं काम कर रहे हो एंड मॉनेटरी जो भी यूनिट है जैसे डॉलर्स है पाउंड्स है उसको अगर हर बार नहीं लिख रहे हो तो आपको कॉलम के हेडिंग में लिखना पड़ेगा. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू शुड राइट इट एज अमाउंट एंड फिर ब्रैकेट्स में $000 या अगर पाउंड है तो फिर पाउंड्स का सिंबल इंसर्ट कर लेना. इंसर्ट में जाके सिंबल में यू विल फाइंड पाउंड्स का सिंबल. यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड में नहीं है, तो आपका अगर आप लोग का भी नहीं है तो यू ऑल कैन गो टू करेंसी सिंबल्स, एंड करेंसी सिंबल्स में आप लोग को पाउंड का मिल जाएगा, लीरा. ठीक है, लीरा साइन के नाम से ये वाला आप लोग यूज कर सकते हो. ओके, तो ये हो गया कॉलम हेडिंग का. इसके बाद आप लोग सिमिलरली करते जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो नोट 1, या फिर सुपरस्क्रिप्ट करके भी 1 लिख सकते हो जैसे मेरा लिखा हुआ है. अगर एक्सेल में बना रहे हो तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट कि आप नोट 1 ही लिख दो. ओके, 9, 8, 9.
अब इसको अगर आपको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि अकाउंटिंग में यूजुअली हम लोग ब्रैकेट्स में रखते हैं, वी डोंट गिव द माइनस साइन, तो कैसे करोगे? जनरल सेम, चेंज इट टू अकाउंटिंग एंड सेकेंड हो जाए. एक बार आप लोग ट्राई करो, आप लोग का अकाउंटिंग में करने से ब्रैकेट्स फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइसेस पे आई सीन कि हमेशा अकाउंटिंग करने से या करेंसी करने से उन्हें माइनस साइन को ब्रैकेट में ही लेते हैं. एक बार आई वांट जो भी है मीटिंग में उन लोग एक बार ट्राई करो प्लीज. नहीं आ रहा है ना आप लोग का भी माइनस साइन, इसमें कस्टम करना होता है. आई विल जस्ट हैव टू चेक कि मेरे वाले लैपटॉप पे क्या सेटिंग है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स नहीं आते, लेकिन इसको कस्टम में जाके चेंज करना पड़ता है. ठीक है, तो आप लोग ऑनेस्टली माइनस साइन आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज जस्ट नॉट अ प्रैक्टिस जो हम लोग यूजुअली अकाउंटिंग में यूज करते हैं. तो आई विल वॉन्ट कि आप लोग ब्रैकेट्स में ही आंसर को प्रेजेंट करो, तो आई विल जस्ट चेक एक बार घर जाके एंड आई विल लेट यू ऑल नो कि कैसे सेटिंग्स को चेंज करना है फॉर गेटिंग द ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ द माइनस साइन. ओके, तो इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग हर बार जब सब कैलकुलेशंस कर रहे हो, सब टोटलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसको बोल्ड करना मत भूलना. तो जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट करके आप इसको कंट्रोल भी दबा दोगे, तो आपको पता रहेगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कर रहे हो. सेम व्हेन यू आर टाइपिंग द नंबर ऑल्सो, जो अमाउंट है 9938, उसको भी आप बोल्ड कर दो. ठीक है, आफ्टर दैट एक और वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप एड लेस लिखो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लेस हो रहा है, तो यू कैन राइट लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. एंड देन यू कैन गिव द अमाउंट 1778. क्या करना कि आप एक सेल में जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग चूज किया, तो उसमें बाकी सेल्स में नहीं आया, राइट? तो आफ्टर यू आर डन टाइपिंग योर इंटायर आंसर, जैसे यहाँ पे एक बार फोर रोज टाइप, वो चारों रो को सिलेक्ट करना अमाउंट वाला, एंड देन जाके इसमें अकाउंटिंग सेलेक्ट करना. ठीक है, तो एक बार में आपको
सारा रोज के लिए ये इफेक्ट आ जाएगा अकाउंटिंग का, द फॉर्मेट विल गेट चेंज टू अकाउंटिंग। एक एक करके मत करना, ठीक है? आफ्टर योर एंटायर आंसर यू कैन डू इट। तो ऐसे करके पूरा ये आ जाएगा, पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बन जाएगा। क्लियर है स्टेटमेंट ऑफ पीएल? उसके बाद वी मूव ऑन टू द नोट्स एंड एवरीथिंग। और अगर किसी को भी मैंने ये जो डॉस को पीएलसी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, ये वाला थिंग भी आप लोग एक्सेल में अगर लिखना चाहते हो तो सॉर्ट करना। यहाँ पे मर्ज कर सकते हो सेल्स को, मर्ज इन सेंटर वाला ऑप्शन करके यू कैन टाइप डॉस को पीएलसी। सिमिलरली को भी मर्ज कर देते हैं एंड इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ड्रैग करके थोड़ा सा तो ये आ जाएगा। तो इससे डोंट फॉरगेट टू मर्ज, क्योंकि फिर बहुत अनटाइली लगेगा आपका वो। मर्ज करके फिर आप लोग एक्सेल में इटसेल्फ लिख सकते हो। देन यू कॉपी दिस, लेट से हम लोग का बन गया, तो यू कॉपी इट। मर्ज करना है इसको अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल सी किया, वर्ड पे जाके ये पेस्ट, ठीक है? तो जब आप पेस्ट करोगे इसमें आपको पेस्ट का ऑप्शन जाएगा, ठीक है? अगर आप नॉर्मली सिर्फ कंट्रोल भी टाइप करोगे तो फिर इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस ओनली। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, यूज डेस्टिनेशन स्टाइल करना है। या तो डेस्टिनेशन स्टाइल यूज करने से आपका टैबुलर फॉर्म में आएगा, नहीं तो लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल करना, ये दोनों में से एक ऑप्शन आपको यूज करना आएगा। बाकी अगर आप करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ लगे। पिक्चर भी कर सकते हो, लेकिन पिक्चर में भी ओनली इशू इज कि जो अननेसेसरी टेबल का लाइंस है वो भी आ जाएगा। एंड मोर देन दैट, जब आप उसको पेस्ट करोगे ना तो वो पता चल जाएगा कि आप एक्सेल से पेस्ट किए हो। तो वो हम लोग को कभी भी नहीं चाहिए कि पता चले कि एक्सेल से पेस्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप वर्ड में टाइप करो तो वो एज अ पिक्चर तो टाइप नहीं कर सकते। तो ईदर यू यूज लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल्स, या फिर यू जस्ट यूज डेस्टिनेशन स्टाइल। ये दोनों को करके फिर ये टेबल आएगा, इसको आप लोग एडिट कर सकते हो। इसका जो भी रोज है इसको एक्सटेंड कर दो कॉलम्स को, वो एडिटिंग आप लोग इन दैट मोमेंट जो भी आपको नीट लगेगा एज पर रिक्वायरमेंट। ये वाला जब एरो आएगा, टू लाइन इन दोनों साइड में एरो, देन यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग इट। उससे आपका बढ़ते जाएगा कॉलम का जो विथ है वो उससे बढ़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बोल्ड इसलिए हुआ है क्योंकि पहले से मेरा बोल्ड किया हुआ था वर्ड में। इसको एक बार अनबोल्ड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम, जो एक वर्ड में ही ऑप्शन होता है कि इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, वो यूज कर सकते हैं हम? आई वुड सजेस्ट मत करो, क्योंकि दीज आर सम थिंग्स जो बहुत न्यू फीचर्स है एंड दे डोंट वॉन्ट अस टू यूज द न्यूअर फीचर्स। जैसे डिक्टेशन भी उन लोग मना करते हैं कि मत यूज करना डिक्टेशन, ठीक है? तो इट्स बेटर कि उस ऐसे नहीं। तो जैसे ये वाला है, ये टेबल यूज करके किया मैम, इंसर्ट टेबल करके
आप कर सकते हो। इसमें क्या है कि व्हाई डिड आई से कि एक्सेल में ओनली एडवांटेज ऑफ डूइंग इन एक्सेल इज कि आप लोग जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना था तो हम लोग इक्वल टू करके रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ेगा कभी भी अगर आप एक्सेल में करो। लेकिन इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल एंड अगर आप लोग कैलकुलेटर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप लोग इंसर्ट टेबल करके भी कर सकते हो। नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स के लिए अलग अलग शॉर्ट टेबल्स बनाओ, सेम शीट में बनाओ भले, तो नोट्स तो ऐसे टाइप होगा। उसके बाद यू क्रिएट अ टेबल, और जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मैंने एमएस वर्ड पे लिखा है, क्या किया? कुछ भी नहीं, बस यू टाइप ओपनिंग स्टॉक, जस्ट रिमूव दिस एंड यहाँ पे एक बार इसको कॉपी करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक। जब आप नोट्स बनाओगे ना, क्योंकि बुलेट पॉइंट दिया हुआ है, बुलेट नंबर दिया हुआ है, तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंटर फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। क्योंकि अगर आप एंटर प्रेस किए तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप अगर एंटर प्रेस करना चाहते हो तो नंबर 3 तो आएगा, उसको हटाने के लिए या तो एक बार बैक स्पेस प्रेस करो तो उससे वो नंबर 3 हट जाएगा एंड यू कैन कंटिन्यू जो भी आप लिख रहे थे, या फिर आप शिफ्ट एंटर प्रेस करो, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये होने के बाद जब सारा हो जाएगा फिर आप स्पेस बार दे के अमाउंट लिख सकते हो। बट दिस आई फील इज अ वेरी कम्बर्सम प्रोसेस एंड बहुत अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेटर है कि आप टेबल बना के टेबल में वैल्यूज फिल करो। तो एक एग्जांपल ना आई विल शो यू कि अगर एमएस वर्ड पे हम लोग टेबल इंसर्ट करें तो कैसे होगा। इंसर्ट करके टेबल किया, यू कैन स्टार्ट विद अ सिंपल 2x2 टेबल ऑल्सो, एंड एज एंड वेन यू वॉन्ट टू इंसर्ट मोर रोज एंड कॉलम्स यू कैन डू राइट क्लिक एंड इंसर्ट कर सकते हो कि कॉलम अगर ऐड करने हैं तो कॉलम के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप इंसर्ट वाला यूज करो, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट या राइट इफ नीडेड। लेकिन अगर रोज ऐड करने खाली, तो रो ऐड करने के लिए यू डू नॉट हैव टू सो सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, अचानक से बस ऑफ हो गया लैपटॉप। हाँ, तो आई वॉज शोइंग यू ऑल कि खाली अगर वर्ड पे डायरेक्टली टेबल इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यू कैन स्टार्ट, यू डोंट हैव टू सिट एंड थिंक कि मेरे को कितना रोज चाहिए होगा। एंड अगर आपको अगर पीएल या बैलेंस शीट में जितना रोज चाहिए उतना ऑप्शंस भी नहीं मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, राइट। तो इसलिए आप एक 2x2 टेबल से स्टार्ट करो या फिर कॉलम्स डिसाइड करो एंड खाली दो रो ऐड करो। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, सपोज ये हुआ,
अब आप स्टार्ट करोगे टाइप करना, लेट्स से रेवेन्यू, नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए इधर यू प्रेस राइट आरो या फिर यू प्रेस टैब। टैब प्रेस करने से आप नेक्स्ट वाले में चले गए, 16927, 16927 किया। फिर एक नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे एक फुल रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो फुल रो इंसर्ट होते ही नाउ यू कैन कंटिन्यू टाइपिंग ऐसे करके। यहाँ पे आपका ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कभी भी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ये हो गया, ऐसे करके यू कैन गो ऑन इंसर्टिंग, ठीक है। यू कैन गो ऑन इंसर्टिंग रोज एंड ऐसे करके आपका पूरा पीएल बैलेंस शीट जो भी है सब बन जाएगा। दिस इज व्हेन यू आर डूइंग ओनली इन वर्ड। एक तो क्वेश्चन था डिस्कनेक्ट होने के पहले मेरे को दिखा था एक बार कि आप लोग एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं। तो जब आप लोग एक्सेल में करो जैसा आई शोड यू ऑल कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज सिंपल प्लस माइनस फंक्शंस। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप एक्सेल से कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो देन यू हैव टू शो वर्किंग नोट्स पक्का से एंड टू बी ऑन द सेफ साइड। एक्चुअली जरूरत नहीं है, बस दिखा देना कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर रहे हो फिर ग्रॉस प्रॉफिट वाला लिख रहे हो। यूजुअली बाकी पेपर्स में हम लोग बोलते हैं कि आप फॉर्मूला भी लिखो, लेकिन एक बैलेंस शीट और पीएल में फॉर्मूलाज लिखना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसीलिए यू जस्ट हैव टू शो कि आप क्या ऐड कर रहे हो और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस लाइन में, ठीक है। वो अमाउंट ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये दिखाना इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप उसको ब्रैकेट में या माइनस साइन करके दिखाओ या फिर ऐसे यूज द वर्ड लेस एंड देन राइट द जो भी हेडिंग है, जो भी हेड है उसको लिख के आप लेस करो। सेम फॉर द नोट्स, ये देखो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ शोइंग कि आप ब्रैकेट्स में माइनस साइन लिख दो। आप या तो लेस लिख सकते हो या ब्रैकेट में माइनस साइन लिख सकते हो या फिर जो अमाउंट है उसको भी आप ब्रैकेट में कर सकते हो या माइनस साइन लिख सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेबल वेज फॉर योर अकाउंटिंग पोर्शन, ठीक है। बट मेक श्योर कि जो भी सब टोटल्स है उनको आप बोल्ड करो ताकि वो स्टैंड आउट करे। जैसे यहाँ पे ये 7642 को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज बोल्ड करना जरूरी है। टोटल एसेट्स अगर है, बीच में भी जो सब हेडिंग है जैसे नॉन करेंट लाइबिलिटीज का हेड बन रहे तो उसको भी बोल्ड करो। ऑल दीज आर मार्क्स विच यू गेट फॉर गुड प्रेजेंटेशन। भले ही एग्जामिनर आपका एग्जैक्टली मार्क्स इसलिए नहीं डिडक्ट करे बट बिकॉज द एग्जामिनर माइट नॉट फील नाइस आफ्टर लुकिंग एट योर प्रेजेंटेशन तो हो सकता है कि वो मार्क्स डिडक्ट कर ले इवन दो इट्स नॉट अलॉटेड स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको कैसे हम लोग को अकाउंट्स वाला सम्स को प्रेजेंट करना है वर्ड में? कोई भी क्वेश्चन है अकाउंट्स वाले पोर्शन को लेकर? टैक्स का आई डोंट थिंक CB1 में क्वेश्चंस आते हैं कभी। आई थिंक इट्स ऑलवेज ओनली बैलेंस शीट एंड पीएल, राइट। और टैक्स का बाय चांस अगर आए भी तो सेम ही फॉर्मेट होगा, आप लोग को टेबल इंसर्ट करके ही दिखाना होगा वर्किंग को। तो वो सेम डिट्टो वे में टेबल का बस अंदर का पोर्शन चेंज हो जाएगा जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो टेबल में। बोलो, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक हेड ऑफ फुटर इंसर्ट करना हम लोग देखते हैं कि हेड ऑफ फुटर आई थिंक आता होगा बट इन केस इंसर्ट टैब में जाके हेडर या फिर फुटर कोई भी एक सिलेक्ट करो। हेडर अगर की है तो ब्लैंक वाला ही सिलेक्ट, ब्लैंक वाला सेलेक्ट करके आपके पास टाइप योर का ऑप्शन आएगा। यू हैव टू टाइप योर पेपर नेम एंड
डायरेक्ट आप लोग के लिए अप्रैल 2022 होगा, सेम चीज फुटर में जाके टाइप करना, ठीक है? यहाँ पे टाइप किया हुआ ऑलरेडी, सेम चीज फुटर में जाके करना। राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट, कंट्रोल एल इज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर इज फॉर राइट अलाइनमेंट, एंड सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, ठीक है? एल आर एंड ई ये करके आप हेडर फुटर कर सकते हो। आफ्टर यू आर डन टाइपिंग यू जस्ट हैव टू प्रेस क्लोज हेडर एंड फुटर। एक बार इंसर्ट करोगे पूरा डॉक्यूमेंट के हर पेज में सेम हेडर एंड फुटर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हेडर एंड फुटर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम, वर्ड फाइल को गलती से भी पहले मत बनाना। ओनली आफ्टर यू प्रेस ऑन डाउनलोड फॉर योर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ही ओपन द एमएस वर्ड एप्लीकेशन। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग फाइल को नेम करके रेडी रखोगे, जो एमसीक्यूज है उसके लिए 1 to 10 लिख के रखोगे, उससे हार्डली 1 मिनट का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले कर लिए ये सब, तो अराउंड टाइम चेक कर लिए कि किस टाइम पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था, तो एवरीथिंग विल बिकम वर्थलेस। तो आफ्टर यू प्रेस डाउनलोड एंड जब आपका पेपर डाउनलोड होगा उसके बाद ही एमएस वर्ड वाला एप्लीकेशन खोलना, उसके बाद ही सब कुछ टाइप करना, एवरीथिंग, हेडर फुटर इंसर्ट करना, क्वेश्चन नंबर्स लिखना, पेजेस इंसर्ट करना, जो भी करना है सब उसके बाद। एंड जब आपका 3 hours 15 minutes या 3 hours 20 minutes हो गया अब शायद, तो 3 hours जो भी आपका स्टिपुलेटेड टाइम है, रीडिंग टाइम प्लस राइटिंग टाइम, ये दोनों मिला के जब टाइम खत्म होगा, मेक श्योर यू सेव योर वर्क एंड क्लोज द एमएस वर्ड एप्लीकेशन। डोंट कीप इट ओपन, जस्ट क्लोज इट। एंड उसके बाद जो एडिशनल टाइम मिलता है फॉर अपलोडिंग, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम टाइम। बहुत बार कॉलेजेस में होता है कि एग्जाम टाइम में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन ये सब एग्जाम्स में इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम टाइम। तो आपका जो लास्ट मॉडिफाइड वाला टाइम है फॉर द डॉक्यूमेंट, जब उनके पास जाएगा उनको प्रॉपर्टीज में दिखेगा कि लास्ट कब मॉडिफाइड हुआ था। जो लास्ट मॉडिफाइड टाइम है इट शुड बी एकदम बिफोर द एग्जाम हैज बीन, जो एग्जाम टाइम है वो खत्म हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए हम सेइंग कि एप्लीकेशन को बंद कर देना सेव करके, बिकॉज अपलोड करने करते टाइम बाय चांस आप चेक करने गए अपना आंसर स्क्रिप्ट एंड स्पेस बार भी दब गया, तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा एंड इट विल गो आउटसाइड द लिमिट। इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड, खोलना ही मत फाइल को आफ्टर द एग्जाम टाइम इज ओवर, जस्ट अपलोड इट। एंड जब अपलोड करते तब आपको प्रिव्यू करने मिलता है, तो उसका चिंता मत करो कि हम चेक कैसे करेंगे करेक्ट फाइल है कि नहीं। यू कैन प्रिव्यू इट व्हेन यू आर अपलोडिंग इट, ओके? तो ये टू थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑनलाइन द इंस्टीट्यूट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स नाउ। और बोलो, और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? मैम, कैन वी मेक दैट फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑन प्री मेड ऑन एक्सेल? आई वुड सजेस्ट नो, क्योंकि वाई टेक द रिस्क? इतना टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा एग्जाम में कि आपको फॉर्मेट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट ट्राई ऑल दिस। इवन दो देर इज नथिंग जो एग्जैक्टली आपको पकड़ पाएगा, बट वाई टेक द रिस्क? आई मीन इट्स फार मोर इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ फ्रॉम ऑल दिस। ओके मैम, थैंक यू। और कुछ, किसी को कुछ भी ऐसा खुरापाती ख्याल आ रहा है दिमाग में, तो अभी क्लियर कर लूं, क्योंकि जेनरली आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी स्कैरी व्हेन यू गेट मेल्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, व्हेन इवन इफ इट वाज नॉट अ वेरी इंटेंडेड फॉल्ट, जब मेल आते हैं तो सब अंदर से खत्म हो जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू स्टे सेफ जितना हो पाए, 5 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए, पूरा पेपर को, पूरा एक्चुअल करियर को रिस्क पे डाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम, ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अब नाउ दैट यू नो कि अकाउंटिंग वाला कैसे करना है, प्रैक्टिस एटलीस्ट 3-4 sums, एटलीस्ट 3-4 sums डिवाइस पे प्रैक्टिस करो फुल फ्लेजेड, ताकि आपका स्पीड बैठे एंड यू गेट यूज्ड टू इंसर्टिंग द टेबल्स, ओके? कोई
कोई भी डाउट होगा तो यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ अस एंड उन लोग में आप मेरा नंबर दे देंगे अगर आप लोग के पास मेरा नंबर नहीं है तो, एंड आई विल हेल्प यू आउट कुछ भी होने से. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.